Good evening, all of you again. So today we are going. Good evening, sir. Good evening. So I'll request you all to mute yourself. So if anybody has any question, he can put it on the chat box. Or आप चाहे तो मुझे बाद में आप note करके रखो. खत्म होने के बाद हम discuss करेंगे. आज time बहुत है मेरे पास. आज ऐसा नहीं कि मैं off करके चला जाऊँगा कहीं पे. So हम कोशिश करेंगे कि last में 10-15 minute कुछ भी discussion और question answers रहेगा तो हम उसको करेंगे. तो आज हम जो टॉपिक लेके जा रहे हैं दैट इज क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क क्वालिटी. अभी आपका दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि हम लोग के साथ इसके क्या रिलेशन है. देखा जाए तो बहुत सारा रिलेशन है, देखा जाए तो देर इज नो रिलेशन. मैं आज ए टेक्नीशियन अगर जाता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, देन फाइन माई जॉब इज ओवर. बट आगे आपको ग्रोथ करने के लिए आगे आपको पांच चीज जब पता चलेगा तब जाके आदमी आगे बढ़ सकता है. जो मेरे मुझे खाना आता है सिर्फ मैं अगर खाने पे ही अपना लिमिट कर दूंगा, मैं कैसे खाऊंगा उतने ही सीख लूंगा, तो कभी जरूरत पड़ेगा तो खाना नहीं बना पाऊंगा और वहां मैं फेल हो जाऊंगा फिर. तो हमको जैसे भी हम लोग एक सिस्टम में जा रहे हैं, हम लोग एक सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम. ये बहुत बड़ा सिस्टम है जहां से दूध निकाल के लेके कहां तक जाना पड़ता है और क्या क्या होता है. हम उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है ऑलरेडी, भले हमारा रोल कितना लिमिटेड हो कुछ भी हो, लेकिन हमको वो थोड़ा बहुत करना चाहिए और थोड़ा बहुत नॉलेज उसके बेसिस पे लेना चाहिए. तो ये मैं ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है हमारे जानकारी के लिए कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है और मिल्क क्वालिटी बेसिकली बोलने से हम लोग किसको मिल्क क्वालिटी बोलते हैं. तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ. एक लेट अस स्टार्ट विद क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एंड देन विल गो फॉर मिल्क क्वालिटी. क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम किया था लॉन्ग बैक एको एंड स्पेंड अराउंड 700 crores ऑफ रुपीज. सो इतना पैसा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रहा है देन वी शुड नो व्हाट इज दिस क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑल माई इनपुट्स स्लाइड्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन दोज टीचिंग जो उस टाइम पे हुआ था सारा, उसी को मैं थोड़ा बहुत आधार करके ये पूरा स्लाइड बनाया हूं. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मिल्क कलेक्शन. हम लोग मिल्क कलेक्शन बोलेंगे तो क्या समझते हैं कि भाई फार्मर लेके आएगा दूध, कलेक्शन सेंटर में दूध दे दिया, मिल्क कलेक्शन खत्म हो गया, या उसके आगे कुछ है या उसके पीछे कुछ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो मिल्क कलेक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग मिल्क फ्रॉम द एनिमल. गाय से दूध, गाय या भैंस कोई भी दूध देने वाला जानवर है, उसमें से दूध निकालने का तरीका जो होता है, जहां से दूध निकलता है वहां से मिल्क कलेक्शन चालू होता है. क्योंकि गाय खुद आके कहीं दूध नहीं देके जाएगा, आपको वहां से कलेक्ट करके लाना पड़ेगा. तो जो फार्मर है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ मिल्क इज इट्सेल्फ एनिमल ऑर्डर, जहां से हम लोग पहला कलेक्शन करते हैं. देन मिल्क एग्रीगेशन होता है. जैसे मेरे फार्म में अगर 10-20 और 2 एनिमल्स है तो मैं इंडिविजुअली सबका कलेक्ट करता हूँ, फिर उसको इकट्ठा करता हूँ, एग्रीगेट करता हूँ उसको. एक बार एग्रीगेट हो गया फिर मैं लेके आता हूँ अपने VLCC में, जहाँ भी कलेक्शन होता है तो वहाँ मेरा क्वालिटी चेकअप्स होता है, मेरा मिल्क लायक है नहीं है इसके लिए वो क्वालिटी चेकअप होता है. उसके बाद मैं लेके आता हूँ उसको, हाउ कैसे मैं स्टोर करूँगा और कैसे मैं उसको कूलिंग कंडीशन में रखूँगा, ये मेरा प्रायोरिटी बन जाता है, मिल्क चिलिंग एंड स्टोरेज. उसके बाद मेरा जिम्मेदारी बन जाता है हाउ टू ट्रांसपोर्ट दिस चिल्ड एंड स्टोर्ड मिल्क, कहाँ पे लेके जाना है, वो सब्सिक्वेंट पॉइंट पे लेके जाना है. वो भी हो सकता है कि बिगर चिलिंग प्लांट हो सकता है, हो सकता है कि वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग प्लांट पे हो सकता है जहां मैं उसको प्रोसेसिंग के लिए लेके जाऊंगा. देन नेक्स्ट इज मेरा आ जाता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग. सो एक बार मेरा प्रोसेसिंग प्लांट पे पहुंच गया दूध, तो मुझे उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसेसिंग और पैकेजिंग पार्ट को मुझे ध्यान में देना पड़ेगा. वंस इट इज प्रोसेस्ड एंड पैक्ड देन इट रीचेस टू द कस्टमर और डायरेक्टली डिलीवर टू द कस्टमर. सो ये जो एंटायर चेन है स्टार्टिंग फ्रॉम मिल्क एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द एनिमल से लेके ये सारे प्रोसेस खत्म होके जब दूध आके अपने घर में या कंज्यूमर के पास पहुंचता है, दैट कंप्लीट्स द होल मिल्क कलेक्शन चेन.
ये हम मिल्क कलेक्शन बोलेंगे तो खाली यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, क्वालिटी चेकअप या कलेक्शन हो गया विलेज लेवल पे वो वहां तक लिमिटेड नहीं है। जब तक सेफली दूध जाके मेरे कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता है तब तक वो मिल कहीं ना कहीं कलेक्शन प्रोसेस में और कहीं ना कहीं ट्रांजिशन प्रोसेस में रहता है, एक जगह से दूसरा जगह, दूसरे जगह से तीसरा जगह, ऐसा होता जाता है। तो उसके बदले में क्या होता है, जैसे मैं कोई एक कोई भी चीज आप ले लो, भले ही फॉरगेट अबाउट दिस मिल्क पार्ट, कोई भी चीज अगर मैं बार बार यहाँ से लेके ऑफिस गया, ऑफिस से लेके और कहीं गया, वहां से फिर लेके और कहीं गया, तो मैं क्या करता हूँ हर जगह हर सिचुएशन में हर टाइम पे, डिपेंडिंग अपॉन टाइम एटमोसफेयर चेंज होता है, परिस्थितियां बदलती है वहां पे, सिचुएशन बदलता है, एनवायरमेंट बदलता है, तो वो चीजों में बहुत सारे बदलाव आने का चांसेस है। और मिल्क तो हाईली पेरिसेबल है, तो ये सारे प्रोसेस में मिल्क का भी बहुत सारा चेंजेस होता जाता है। तो इसलिए हम लोग ब्रॉड वे में अगर देखेंगे कि मिल्क कलेक्शन क्या है, मिल्क कलेक्शन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग और मिल्किंग द एनिमल टिल सेफली डिलीवर टू द कंज्यूमर। तो इसमें अंदर बहुत सारा प्रोसेस है, हम लोग कहाँ पे है और कितना प्रोसेस, हम लोग को आगे का और पीछे का लिंक नहीं है हमारे पास। तो दैट इज व्हाई आई थॉट कि ये थोड़ा हम लोग इसको पीछे बैक एंड में देखेंगे, आगे की तरफ मैं ज्यादा लेके नहीं जाना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं तो पीछे की तरफ से चालू करना चाहता हूँ। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम मिल्क सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी मिल्क बिगिंस फ्रॉम द फार्म लेवल, जहां से मिल्किंग होता है, जहां गाय दूध देती है, वहां से एक्चुअली क्वालिटी कॉन्शियसनेस बनाए होना चाहिए और वहां से ही क्वालिटी ऑफ मिल्क स्टार्ट्स होता है। अगर मैं ब्रॉडली देखूंगा, इट इज अ बेटर डायरी फार्मिंग प्रोसेस अगर मेरे पास है तो ही मैं बेटर क्वालिटी मिल्क एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उस फार्म से। सो व्हाट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क फ्रॉम ए हेल्दी एनिमल, रिपीट दिस वर्ड हेल्दी एनिमल, बाई यूजिंग बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मुझे अच्छे क्वालिटी का दूध एक अच्छा सेहत वाला एनिमल, बड़ा जानवर जिसको आप बोलते हैं, गाय हो भैंस हो कुछ भी हो, उसमें से मुझे अच्छे क्वालिटी का मिल्क निकालना है एंड आई हैव टू यूज फॉर दैट, उसके लिए मुझे अच्छे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी यूज करना चाहिए क्योंकि मुझे हर चीज अच्छा चाहिए वहां से, कोई चीज में मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन द फार्म, जो हमको अडॉप्शन करना है, जो हमको साथ में लेके चलना है, वो प्रैक्टिसेस क्या है। पहला हो गया एनिमल हेल्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे हमारे इंसान के लिए हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनी एक्टिविटीज, ऐसे ऐसे ही एनिमल का हेल्थ भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ मिल्क, हम आगे देखेंगे कि एनिमल हेल्थ के साथ मिल्क क्वालिटी का क्या रिलेशन है। नेक्स्ट इज मिल्किंग हाइजीन, जब हम दूध निकालते हैं उस टाइम कुछ प्रोसीजर कुछ नियम कानून फॉलो करना चाहिए, सो दैट द क्वालिटी ऑफ द मिल्क दैट इज व्हाट कमिंग आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनिमल, जो उसके थन से दूध जब निकलता है और मेरे बर्तन पे आ जाता है, तो मेरा जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो दूध से फ्रेश कंडीशन में मैं कलेक्ट करूँ वहां से। थर्ड इज फीड एंड वाटर, अभी एनिमल को बाय गाय और भैंस को जो खाना देते हैं और जो पानी पीने को देते हैं, इसका भी काफी सारा इम्पैक्ट है क्वालिटी ऑफ मिल्क के ऊपर। फिर एनिमल वेलफेयर, एनिमल को हम कैसे रखते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे बहुत सारे फार्म में म्यूजिक लगा रहता है, अभी गाय को म्यूजिक क्यों चाहिए, आप सोचेंगे यार ये तो जानवर है उसको म्यूजिक क्यों देना है। और अगर आप सोचते हो, कभी कभी आप लोग भी अपने कभी फेस किए होंगे गाँव में या कभी अपने घर में, जिसके घर में गाय भैंस रखा हुआ है, कि अगर आप घास गाय को थोड़ा दूध मिल्किंग से पहले, दूध निकालने से पहले दो थप्पड़ मारा या उसको डराया कुछ ऐसे किया, तो उस दिन गाय दूध कम देता है या दूध देता नहीं। तो एनिमल को अगर जितना आप हैप्पी रखेंगे, जितना आप उसका संतुलन रखेंगे एनवायरनमेंट के साथ, उसका आपका मिल्किंग क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों के ऊपर इसका इफेक्ट है। एंड लास्ट इज नॉट द लीस्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एनवायरनमेंट, अभी आप कौन सा एनवायरनमेंट में आपका फार्म है, कौन सा एनवायरनमेंट पे आपका एनिमल्स है वहां पे, सो दैट इज मोस्ट अनदर फैक्टर टू मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क। सो ये चारों, ये पांचों सब जब मिल जाता है, देन ओनली वी से दिस इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पांच है जो कि डिफाइन करता है आपका आगे कैसे क्वालिटी ऑफ मिल्क और कैसे क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑल्सो यू आर गेटिंग फ्रॉम योर एनिमल। तो अभी हम बात आते हैं, सबसे बड़ा
प्रॉब्लम क्या होता है, दूध जब गाय के थन के अंदर रहता है वहां कोई कंटामिनेशन नहीं है। कंटामिनेशन मतलब कि बाहर का चीज उसके अंदर जाता नहीं है, बाहर के चीज के कॉन्टैक्ट में आता नहीं जिसके वो खराब हो जाएगा। तो कंटामिनेशन मेरे पूरा ये प्रोसेस में चार जगह पे होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज योर मिल्क कलेक्शन लेवल, यूटेंसिल्स, मिल्किंग मशीन क्लीनिंग, कंटेनर। ये क्या होता है, ये फार्मर के एंड पे होता है। सो फार्मर के एंड पे मुझे जो कंटामिनेशन का चांसेस है वो है मिल्किंग यूटेंसिल्स, जो बर्तन यूज करते हैं, मिल्किंग मशीन जहाँ यूज होता है दूध निकालने के लिए उसका क्या सफाई कैसा है, ये सारा डिपेंड करता है। मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ कंटामिनेशन वहीं पे होता है। सेकेंड स्टेप ऑफ कंटामिनेशन इज मिल्क हैंडलिंग एट कलेक्शन सेंटर। मैं जब VLCC में मिल्क आके पहुंचता है, फार्मर के तरफ एंड से आके VLCC में पहुंच गया, तो वहाँ कैसे हैंडलिंग होता है मिल्क, वहाँ कोई प्रॉपर प्रोसीजर में हैंडल होता है या अपने आप कोई आया जैसे आरा गरा आया दूध डाल दिया चला गया, वो कुछ कहीं भी डालता है, कैन का क्लीनिंग नहीं है, कलेक्शन सेंटर में कुछ व्यवस्थित चीजें नहीं है, तो वहाँ भी कंटामिनेशन का चांसेस बहुत ज्यादा है और कंटामिनेशन वहाँ कुछ ऐड होता है उसके ऊपर। मेरा तीसरा कंटामिनेशन का जगह कहाँ है, जब वो मिल्क चिलिंग सेंटर पे जाता है, VLCC से विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर से फिर एक मिल्क चिलिंग सेंटर अगर बीच में कहीं है, क्योंकि मेरा प्रोसेसिंग डायरी प्रोसेसिंग मेन प्लांट जो है काफी दूर पे है, सो मुझे इन बिटवीन और एक स्टॉपेज लेना पड़ता है वहाँ पे कैन का मूवमेंट, बिकॉज ये सारा मिल्क कलेक्शन सेंटर से जाता है चिलिंग सेंटर पे कैन पे, तो कैन का मूवमेंट टाइम जो लॉस होता है मेरा VLCC से लेके MCC पहुंचने के लिए, टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन करते हो, दैट ऑल्सो एडेड अनदर कंटेमिनेशन टू दिस पार्ट। एंड माई फोर्थ कंटेमिनेशन इज ट्रांसपोर्टेशन, टाइम लॉस, टेम्परेचर व्हेन द मिल्क रिचेस अप टू द डायरी। मैं अभी मिल्क टैंकर में लेके जाऊंगा, यहाँ से स्टेप थ्री से स्टेप फोर कैसे मिल जाएगा, इट विल आई विल कैरी इन ए टैंकर। सो टैंकर का कंडीशन कैसा है, कितना टाइम मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, क्या टेम्परेचर में मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन दोज फैक्टर्स ये डायरी डॉक पे पहुंचता है। ऑलरेडी एक दो तीन चार स्टेप का कंटामिनेशन फेस करने के बाद मिल्क मेरा प्रोसेसिंग सेंटर पे पहुंचता है। फिर प्रोसेसिंग सेंटर में देयर आर फ्यू मोर एरियाज जहां कंटामिनेशन होता है, हम प्रोसेसिंग सेंटर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। बेसिकली क्या होता है, वहां एक बार मिल्क रिसीव हो जाता है रिसेप्शन सेंटर में, तो फिर आगे सारा एनक्लोज लाइन है और फटाफट काम हो जाता है, वहां ज्यादा कंटामिनेशन का चांसेस कम है, कंट्रोल्ड है वहां एनवायरमेंट। ये सारे स्टेप्स ना कंट्रोल के बाहर है, ये किसी के बस की नहीं है, कोई भी कुछ कर सकता है। कल VLCC का जो कलेक्शन एजेंट है वो चेंज हो जाता है, कभी आपका ट्रांसपोर्टेशन का गाड़ी चेंज हो जाता है, ड्राइवर चेंज हो गया, कल आज रूट रूट में कुछ जाम हो गया, तो ये 1, 2, 3, 4 स्टेप्स जो है वो कंट्रोल स्टेप्स नहीं है, इसलिए इस पर्टिकुलर ये चार स्टेप में काफी सारे कंटामिनेशन होता है दूध के अंदर। तो कंटामिनेशन से क्या होता है, उसका क्वालिटी डिटेरियरेट होता है और उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, तो ये मेन कंटामिनेशन एरिया है। उसके बाद जब वंस एक बार प्लांट में पहुंच जाता है, सो प्लांट इज ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एटलीस्ट वहाँ कुछ लोग है हु आर एक्सपर्ट इन दिस हैंडलिंग दस मिल्क्स और दे कैन टेक केयर ऑफ दोज मिल्क्स फर्दर। वो प्रोसेसिंग है, इक्विपमेंट्स है, कितना जल्दी करना है, क्या करना है, दे फटाफट इमिडिएटली वो काम कर लेते हैं। नाउ लेट अस come to the factors which are affecting the quality of milk. So there are two factors which jo milk quality ko affect karta hai. Ek ho gaya aapka internal factor aur dusra ho gaya external factor. Internal factor related to your animals only, animal ke sath kuch bhi ho sakta hai, and external factor ho gaya jo bahar ke factor hai jo hum log usko add karte hain. Internal factor main is the animal health, the second is disease. Main bahut sara disease hai animal ke upar, main zyada sara usme dhyan nahi dena chahta hu, because this is the particular disease jo milk quality ke upar kafi impact deta hai, that is mastitis, aur hum log usko hindi mein bolte hai thann hara, matlab thann har jata hai, kahin chala jata hai karke log bolte hai usko, so that is mastitis. थर्ड इज रेगुलर हेल्थ चेकअप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई जानवर का रेगुलर चेकअप करते हो, घर में हम लोग इंसान है, कुछ हुआ तो वी कैन से चलो यार मेरा तबीयत आज अच्छा नहीं लग रहा है, अभी जानवर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जब तक वो उसका सिम्टम्स बाहर नहीं आता है, जब तक आपको आप उसको देख नहीं पाते हो कि कितना तकलीफ में है वो, तब तक आप कुछ पता नहीं कि उसके अंदर में क्या हो रहा है, तो आप रेगुलर हेल्थ चेकअप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर।
देन कम्स योर सेपरेट डिजीज एनिमल. कभी क्या होता है, लंबे लंबे जो बड़े बड़े हॉर्स रहता है जिसमें 25 एनिमल, 30 एनिमल, 50 एनिमल एक साथ रहते हैं, उसमें से अगर एक को कुछ बीमारी होता है तो चांसेस है कि बाकी लोगों को भी फैल जाता है. जैसे ये मेस्टाइटिस हो गया, ये काफी फैलाने वाला चीज है, एक को हुआ तो दूसरा तीसरा को होने का चांसेस बहुत है अगर दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं. तो डिजीज एनिमल को सेपरेट रख लेना सबसे बेस्ट प्रोसेस है. सो दीज आर इंटरनल फैक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेगुलर वैक्सीनेशन. एनिमल्स को अगर रेगुलर में वैक्सीनेशन करता हूँ तो मैं एटलीस्ट ये जो एनिमल हेल्थ पार्ट हो गया, मास्टरसिस को तो कुछ नहीं कर पाते बट एनिमल हेल्थ पार्ट को टू सम एक्सटेंट टू 70-70-60-70% में कंट्रोल में रख सकता हूँ. तो दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स व्हिच शुड बी टेकन केयर बाय द फार्मर. फार्मर जो है या जो एनिमल का देखभाल करने वाला आदमी है, ये इंटरनल फैक्टर्स दूध क्वालिटी के ऊपर काफी इम्पैक्ट देता है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए. एक्सटर्नल फैक्टर में आता है क्या, मिल्कर्स हाइजीन एंड हैबिट. जो आदमी जाता है दूध दुहने के लिए, दूध निकालने के लिए, या तो मशीन आप यूज करते हैं, तो ये दोनों में कितना हाइजीन है और क्या हैबिट्स आप फॉलो करते हैं. मिल्कर खाली हो गया कि मैं इंसान उसको दूर आया करके उसमें काफी सारा हाइजीन का इशू रहेगा, हैबिट का इशू रहेगा, ऐसा नहीं. मशीन से भी रहता है, क्योंकि अगर एक प्रॉपरली नॉट क्लीन, अच्छे से साफ किया नहीं हुआ मिल्किंग मशीन हो गया, या तो उसका जो भी कंपोनेंट्स है जो मिल्क का ऑर्डर्स में कंटेक्ट में आता है उसको रेगुलरली मेंटेन नहीं किया हुआ है. जैसे उसमें एक कंपोनेंट रहता है लाइनर, रबर का लाइनर रहता है, और रबर लाइनर का जो लाइफ है बेसिकली वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करता है, प्रोबेबली इट इज 6 मंथ और 2500 मिल्किंग, 6 महीना या 2500 बार उसको आप यूज कर सकते हो. लेकिन लोग क्या करते हैं, जब तक वो रबर फटता नहीं है उसी को यूज करते रहते हैं, क्योंकि उनको फीलिंग नहीं आता है कि उसमें क्या डिफरेंस आ गया, क्या इलास्टिसिटी में डिफरेंस आ गया, दूध निकल रहा है उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो ये जो हैबिट्स है और जो हाइजीन हम लोग यूज करना चाहिए, भले ही मिल्कर, मैं इसलिए मिल्कर लिखा हूँ, मे बी इट इज ए मशीन और मैन, कोई भी हो सकता है उसके अंदर, ये इम्पैक्ट करता है क्वालिटी ऑफ मिल्क के ऊपर. देन मिल्किंग प्रैक्टिस, आप मिल्किंग का एक प्रैक्टिस होना, एक मिल्किंग का एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि गया आदमी दूध निकाल के आ गया, उसका एक प्रोसेस रहता है. जो जो, जो किसी भी किसने भी बड़े बड़े फार्म में देखे होंगे, एक प्रोसेस में मिल्किंग होता है, एक टाइमिंग मेंटेन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में काम होता है, एक प्रोसेस में एक क्या कौन सा जानवर पहले होगा, कौन सा दूसरा होगा, एक चेन मेंटेन होता है वहां पे, उसको हम बोलते हैं मिल्किंग प्रैक्टिस. तीसरा हो गया मिल्किंग यूटेंसिल. जो बर्तन हम यूज करते हैं दूध निकालने के पहले वहां स्टोर होता है, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फैक्टर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द मिल्क. देन फीड एंड वाटर एंड लास्ट इज एनवायरमेंट. सो ये दोनों फैक्टर्स को अगर हम अच्छे तरह से कंट्रोल कर पाएंगे, अच्छे तरह से मेंटेन कर पाएंगे, कंट्रोल तो करना हमारे पूरा बॉस की बात नहीं है, उसको अगर अच्छा मेंटेन कर पाएंगे, देन ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द एनिमल, वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का आएगा. सो आगे आपने देखे 4 स्टेप का कंटामिनेशन है, तो मेरा पहला स्टेप अगर मैं अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ तो एटलीस्ट एक स्टेप को मैं 100% के जगह में 25% जो हो गया, 25% से मैं 5% या 10% या 20% तो उसमें योगदान दे सकता हूँ कि हाँ भाई मैं अच्छा काम अच्छा तरह से किया. नाउ लेट अस डिस्कस एनिमल हेल्थ. जैसे मैं बोला, मैं हम लोग यहाँ एनिमल हेल्थ के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं. बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो मैं एम्फोसिस देना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड मास्टिटिस. मास्टिटिस क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द मामरी ग्लैंड, जहां से दूध बनता है, जो दूध बनने वाले ग्लैंड्स होता है उसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको मास्टिटिस बोलते हैं. ये खाली गाय या भैंस के लिए नहीं है, ये कोई भी हो जो दूध देता है, भले ही इंसान भी हो, उनका भी ये होता है, दैट इन्फेक्शन हैपेंस इन मामरी ग्लैंड्स. जो इन्फेक्शन होता है उसको हम मास्टिटिस बोलते हैं. ये कोई भी आपका ऊंट का भी हो सकता है, जैसे आजकल तो गोट का भी मिल्किंग चल रहा है, कैमल का भी है, सबको एक बीमारी रहता है. और इसमें काफी सारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि व्हाट हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस डिजीज. इसमें क्या होता है, आपका जो थन होता है वो फूल जाता है, स्वेलन होता है. देखो ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट फिगर में जो स्क्वायर है, आप देखो थन कितना बड़ा हो गया, उसका जो ऑर्डर है बहुत बढ़ गया है, और इन कंपैरिजन टू दैट टीथ छोटा दिख रहा है उसके कंपैरिजन में. स्वेलन उसको बोलते हैं, स्वेलन होता है, हार्ड हो जाता है,
जो टिट से हम दूध निकालते हैं वो बहुत हार्ड बनता है, बन जाता है उस टाइम, एंड इट इज वेरी पेनफुल टू द एनिमल। एनिमल को इतना पेन होता है कि आप वहाँ थोड़ा हाथ लगाने नहीं देता है, कभी कभी आप कोशिश करोगे हाथ लगाने के लिए तो लात मारता है। ये अल्टीमेटली क्या करता है, दिस रिड्यूसेस द यील्ड। एनिमल जो दूध देता है, जितना दूध देना चाहिए उसमें उसको, वो उसके रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है। जब भले एक एनिमल, एक गाय को 5 लीटर दूध देता है, तो मास्टिटिस होने के बाद वो 2 लीटर पे आ जाएगा, 3 लीटर, 2 लीटर, कभी कभी बिल्कुल जीरो भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपन कितना इन्फेक्शन हुआ और आपको कब पता चला, आप कब ट्रीटमेंट चालू किया उसका। एंड दिस इज ए डायरेक्ट लॉस टू द फार्मर, ऑब्वियसली फार्मर को लॉस होता है। लेफ्ट साइड में जो फिगर है उसमें देखिए, वो छोटा छोटा होल्स दिख रहा है, दोज आर द इन्फेक्शन। ये डिफरेंट पॉइंट्स है जिसमें इन्फेक्शन क्रिएट होता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी हाउ दिस इन्फेक्शन कैसे होता है और कैसे रोक, हम लोग थोड़ा बहुत रोक सकते हैं इसको। नाउ दीज आर द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मास्टिटिस। मास्टिटिस एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक बोलते हैं क्लिनिकल और एक बोलते हैं, माय गॉडनेस, दिस माय सब क्लिनिकल एंड क्लिनिकल। सो सब क्लिनिकल मास्टिटिस जो होता है वो एक्चुअली इमिडिएटली पता नहीं चलता है, ये रह जाता है एनिमल के अंदर। जैसे अब इंसान होता तो बोल सकता था कि हाँ मुझे कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, और फार्मर को भी पता नहीं रहता है, लेकिन एनिमल के अंदर रहता है और वो आपका प्रोडक्शन लॉस होता रहता है। और सब क्लिनिकल धीरे 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 बढ़ते हुए क्लिनिकल स्टेज में आता है, जब गाय का थन से ब्लड निकलना शुरू होता है या बहुत बड़ा बहुत फूल जाता है, सूजन आ जाता है, हार्ड हो जाता है, तब आदमी को पता चलता है कि कुछ हुआ है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, ट्रीटमेंट चालू करता है उसको। 70% लॉस इन प्रोडक्शन, ये बहुत बड़ा फिगर है। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि अगर 70% लॉस होता है ड्यू टू मास्टिटिस, तो मेरा टोटल जो आज के डेट पे 187 मिलियन टन्स दूध होता है, तो उसमें क्या ये क्या सिर्फ 30% है? नहीं, दिस 70% लॉस जो है, दिस इज कम्प्लीटली फॉर एंटायर बोवाइन एनिमल्स, जितने भी दूध देने वाले है जानवर सबको मिला के किया हुआ है। एंड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय IIT रुड़की, नॉन अदर देन IIT रुड़की। उनका 3 साल का रिसर्च का ये रिजल्ट है कि आज का डेट में इंडिया में 70% ऑफ मिल्क इज लॉस ड्यू टू मास्टिटिस। नहीं तो हम लोग कहाँ पहुंच सकते थे। थर्ड इज द रेवेन्यू दैट वी आर लूजिंग एवरी ईयर इज 7,165 crores। आप इमेजिन करो, दूध का 7,165 crores ऑफ रुपीज इज लॉस्ट ड्यू टू मास्टिटिस। इन दिस कैलकुलेशन दे हैव कैलकुलेटेड द मिल्क लॉस, दे हैव कैलकुलेटेड द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स देयर ट्रीटमेंट, मेडिसिन, मिल्क लॉस, ये सारा कैलकुलेशन करके दे हैव अराइव दिस फिगर दैट 7,165 crores पैसा लॉस होता है ड्यू टू मास्टिटिस ओनली। 50% ऑफ द फार्मर्स आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज मास्टिटिस। 50% फार्मर्स ऐसे हैं, व्हाट इज मास्टिटिस तो पता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके जानवर को मास्टिटिस है या नहीं है। जब सब क्लिनिकल स्टेट में होता है, कोई सिम्टम्स बाहर दिखाई नहीं देता है, तो फार्मर्स को भी पता नहीं है कि उसका जानवर के पास है या नहीं है। उसका है प्रोसेस की कैसे पता कर सकते हैं, लेकिन कोई करता नहीं, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। Where it is comes, जहां आता है ये कि प्रॉपर मिल्किंग प्रैक्टिस अगर फार्मर से करेगा, तब उसको पता हो सकता है, पता चलेगा कि हाँ मेरे जानवर को कुछ तो हुआ है, मास्टिटिस होने का चांसेस है। लेकिन 50% ऐसे फार्मर है जिनको कुछ हवा नहीं कि उसको जानवर को मास्टिटिस है या नहीं है, और दे आर ऑल्सो नॉट अवर वेदर मास्टिटिस इज सो इम्पोर्टेंट और सो क्रिटिकल फॉर देयर एनिमल हेल्थ। 1 से 8% जो जानवर है आज उस दिन, जो ये लोग जब डाटा निकाले थे, ऑलमोस्ट 1 to 8% आर अंडर क्लिनिकल स्टेट। क्लिनिकल स्टेट्स मींस दोज मिल्स आर 100% अनयूजेबल मिल्स। अगर कोई जानवर को क्लिनिकल स्टेट का मास्टिटिस हो गया, आप उसका दूध यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूध में पूरा खून, पॉस, ये सब आता है, उसको फेंकना ही पड़ता है, एंड उसमें हैवी लॉस होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 क्वार्टर जो है, 4 क्वार्टर से 1 क्वार्टर खराब भी हो जाता है, पूरा लाइफ के लिए वो ब्लॉक हो जाता है और उसमें से दूध नहीं निकलता है। एंड 50 to 55% ऑफ एनिमल्स अंडर सब क्लिनिकल स्टेट्स। सो आप इसमें इमेजिन करो, 50% अगर मैं लोएस्ट फिगर में लेता हूँ,
तो 50% ऑफ एनिमल्स आर अंडर सब क्लिनिकल स्टेट. सब क्लिनिकल स्टेट मतलब उसको है, किसी को पता नहीं है, किसी को पता है, किसी को पता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट में है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है. तो ये 50% जो है वो डायरेक्ट लॉस जाता है मिल्क का, कितना वो आगे हम चल के देखेंगे. बट इट इज अ लॉस टू द कम्युनिटी, लॉस टू द कंट्री. ये सारे लॉसेस को ये लोग कंसिडर करके दे आर सेइंग दैट ऑलमोस्ट 70% लॉस होता है. इफ यू वॉन्ट टू उसको अगर आपको देखना है तो एक नीचे एक दिया हुआ है, आई विल शेयर दिस लिंक इन द ग्रुप. आपको ये आर्टिकल अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, वेयर इट इज क्लियरली मेंशन कि IIT रुड़की का ये स्टैटिस्टिक्स है. एंड दिस पेपर, ये रिसर्च पेपर जो है वो अवार्ड मिला था उनको. दिस इज द पेपर, बोवाइन मास्टाइटिस रिजल्टिंग इन 70% लॉस मिल्क प्रोडक्शन, IIT रुड़की स्टडी. दे हैव साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने उसको अवार्ड किया था टू फाइंड आउट दिस फिगर्स. तो ऐसे कुछ ये गलत फिगर नहीं हो सकता है कि अगर IIT जैसे इंस्टीट्यूशन ने उसको पब्लिश किया है एंड गवर्नमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने उसको सर्टिफाइड किया है. सो दिस इज व्हाट द लॉस वी आर सफरिंग इन मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क कलेक्शन. मास्टाइटिस क्या होता है और कैसे होता है, ये सिंपल है. दिस इज व्हाट इज योर, जो आपका गाय का अंदर इंटरनल जो है वही है. एक एक देखो यहाँ पे एक छोटे छोटे दो सर्कल, एक सर्कल से जिसको हम स्पिंचर मसल्स बोलते हैं, और ये जो पूरा पैसेज है यहाँ से लेके सिस्टम तक इसको बोलते हैं मिल्क कैनाल. मिल्क कैनाल देन दिस इज टिट साइनस, एनुलर रिंग्स, ये सब अब इतना डिटेल नहीं जाते. तो जैसे अब मिल्किंग चालू करते हैं, व्हेन स्टार्ट प्रेसिंग दिस, ये जो दोनों को आप जैसे प्रेस करोगे ये रास्ते से मिल्क निकल के बाहर आता है. तो आपने मिल्किंग खत्म हो गया, मिल्किंग जब शुरू होता है तो इस स्प्लिंटर मसल्स जो है वो एक्सटर्नली फूल जाता है, बाहर की तरफ फट जाता है और आपका एक पैसेज बन जाता है और वहां से दूध निकलना चालू होता है. जैसे मैं मिल्किंग मेरा खत्म हो गया तो स्प्लिंटर मसल इमिडिएटली क्लोज नहीं होता है, उसको क्लोज होने में 10 से 12 मिनट 15 मिनट लगता है डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ एनिमल एंड साइज ऑफ टीट. तो ये जो 10 12 15 मिनट तक क्या होता है, मिल्क कैनल ओपन रहता है पूरा फ्रॉम पॉइंट जीरो टू पूरा उसका सिस्टम तक. तो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द क्रिटिकल टाइम जबकि बैक्टीरिया इसी के थ्रू में एंटर होता है अंदर पे. और ये क्या करते हैं बैक्टीरिया, अपने घर बनाते हैं वहां पे, उनको रोज खाने के लिए अच्छा खासा दूध मिलता है, वो बढ़ते जाते हैं एंड दे क्रिएट इन्फेक्शन इनसाइड दी ग्लैंड. वो मामरी ग्लैंड जो रहता है, ऐसे ग्लैंड रहता है ऊपर का फिगर हम देखो, छोटा छोटा ग्लैंड है. तो ग्लैंड को डिफेक्टिव इन्फेक्शन करना चाहते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है और मास्टाइटिस क्रिएट होता है. तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए कि मेरे मिल्किंग के बाद ये जब तक बंद नहीं होता है तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि इसके अंदर बैक्टीरिया ना आ जाए. आप लोग देखे होंगे पहले जमाने में हम लोग क्या करते थे, गाय दूने के बाद बछड़े को छोड़ देते थे. बछड़ा क्या करता था, जाके फिर माँ से अपना दूध पीना चालू करता था. जब तक वो चूसता रहता था दूध आने तक, तब तक वो चलता है और उसका जो सलाइवा है, जो मुंह से सलाइवा निकलता है, वो चारों तरफ उसको एक प्रोटेक्शन देता है, बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पा रहा था उस टाइम. जैसे हम भी आजकल क्या करते हैं, कभी कुछ थोड़ा मोटा खरोच आ गया तो थोड़ा सलाइवा अपने मुंह से लेके लगाते हैं, तो ये बेस्ट एंटीसेप्टिक करके बोलते हैं उसको. तो जैसे भी ऐसे भी वो उसके लिए वो एंटीसेप्टिक जैसे काम करता था. लेकिन आज मॉडर्न प्रैक्टिसेस में बछड़ा नहीं छोड़ते हैं, बछड़ा विनिंग प्रोसेस में, आजकल जो होता है विनिंग प्रोसेस बोलते हैं. विनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि बछड़ा जैसे पैदा हो गया उसको अलग कर देते हैं माँ से, माँ कभी अपने बच्चे को देखता ही नहीं है. तो क्या होता है उस टाइम पे ओपन रहता है, पूरा ओपन रहता है. तो फिर हमको कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ेगा ताकि ये बैक्टीरिया प्रोटेक्शन आना चाहिए. तो इसके एक टीट डीप सॉल्यूशन मिलता है, बेसिकली आयोडीन एंड सॉर्बिटल बेस्ड सॉल्यूशन है, जिसको पानी में घोल के एक बॉटल में लेके वो पूरा टीट को डीप करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो टीट है उसका जो थन का आगे का जहाँ से हम पकड़ के दूध निकालते हैं उस एरिया को डीप करते हैं. सो दैट वो आयोडीन इसके चारों तरफ एक दीवार खड़ा करता है, बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं जाने देता है. और सेकेंड थिंग, हम लोग का कोशिश ये होना चाहिए कि दूध निकालने के बाद जानवर तुरंत जमीन के ऊपर ना सो जाए, क्योंकि जमीन के ऊपर सो गया तो वहाँ गाय पहले से पेशाब किया होता रहता है, कम से कम तो मिल्किंग के टाइम में पेशाब करता ही करता है. फिर हो सकता है उसका एनवायरनमेंट कैसा है हमको पता नहीं,
इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। इसलिए गाय को दूने का दूध दूध निकलने के बाद लोग क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा खाना वाना भी देते हैं या पानी देते हैं पीने के लिए, सो दैट एनिमल सो ना जाए। और ये टीट डिपिंग इज वेरी एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम मास्टिटिस। ये एक प्रोसेस है मास्टिटिस को थोड़ा रोकथाम करने के लिए। अगर फिर भी उसके बाद हुआ तो ये टीट केनल के अंदर एंटीसेप्टिक ट्यूब्स इंजेक्ट किया जाता है पूरा, सो दैट इन्फेक्शन जाके अंदर का इन्फेक्शन कम करे और डिजीज अच्छा हो जाए। लेकिन वो कॉस्टली है और एनिमल को काफी सारा लॉसेस भी होता है। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट मास्टिटिस। नाउ लेट अस फोकस ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर में पहला हम लोग देखे थे मिल्कर्स हाइजीन एंड हैबिट। जो आदमी दूध देता है या जो मशीन हम लोग यूज करते हैं, मैं मशीन के बारे में ज्यादा एम्फोसिस नहीं देता हूँ कि क्या भी आज के डेट में भी इंडिया में मिल्किंग मशीन इतना पॉपुलर नहीं है और इतना यूज भी नहीं आता है। बहुत बड़े बड़े फार्म में यूज होता है, इंडिविजुअल फार्मर्स तो वेरी वेरी रेयरली दे आर यूजिंग। तो मैं मिल्कर्स जो हैबिट है उसको ऊपर थोड़ा ध्यान देता हूँ। जो भी दूध दोने वाला आदमी है यू शुड बी फ्री फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब क्या हो गया, जैसे मुझे खांसी हो रहा है तो मेरे पास अगर कोई और बंदा बैठेगा दो चार दिन तो उसको भी खांसी होने का चांसेस है, इन्फेक्शन होता है। जो कम्युनिकेट कर सकते हो, जो मेरे मेरे शरीर से दूसरे शरीर को जा सकता है, जैसे अभी आजकल कोविड हो गया वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ऐसा डिजीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो डिजीज अगर लेके साथ में जाता है तो चांसेस आर देयर कि वो डिजीज अपने एनिमल के पास भी जा सकता है। दूसरा हो गया क्लीन क्लॉथ, सफाई कपड़ा। बेस्ट प्रोसेस इज अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म हो तो सबसे अच्छा है। मिल्किंग के लिए आप उसी को यूज करो, फिर मिल्किंग के बाद उसको लाके रख दो, वीकली एक दो बार सफाई कर लो, तो दैट इज सेफर। क्योंकि कपड़ा क्या होता है, कहाँ घूमते कहाँ बैठते पता नहीं, और वो साथ में कितने सारा जर्म्स लेके घूमते रहते हैं उसको साथ में, और उसी को लेके फार्म में जाएंगे मिल्किंग करेंगे तो चांसेस है कि वो बैक्टीरिया वहां पे फैल सकता है। क्लीन हैंड अपने मिल्किंग से पहले अच्छे से सोप में हाथ धो लेना चाहिए। आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं सोप में हाथ धोने का इम्पोर्टेंट क्या है। नो पान, गुटखा, खैनी, स्मोकिंग, ये सब चीजें जो भी है, जो भी नेक्रोटिक्स वाला चीज है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, ये जो जितना बेकार की चीजें है ना, ये सब लेके साथ में वहां मत जाइए। खाना है आप खा लो बाहर, मुंह धो के जाओ, या तो खैनी डाल के जाके वहां बैठा है आदमी दूध दुलने के लिए, गुटका जेब मुंह में रखा हुआ है मिल्किंग करता है और साइड साइड में वो पुक पुच करके फेंकता रहता है, तो अच्छा नहीं है वो, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ होने का, बैक्टीरिया फैल जाने का चांसेस ज्यादा है। लास्ट इज स्टिक टू टाइम एंड मेंटेन द रूटीन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक पर्टिकुलर मिल्किंग का टाइमिंग होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए, सुबह 4 बजे मतलब 4 बजे और शाम को 6 बजे मतलब 6 बजे। ऐसा नहीं कि आज 4 बजे कल 5 बजे परसों 6 बजे, तो उसमें क्या होता है गाय को तकलीफ होता है, बहुत ही तकलीफ होता है। आप मुझे पता नहीं कितनों को ये सब पता है, लेकिन गाय को जब दूध टाइम पे नहीं निकालते हैं, अगर आप देखो कोई गाय को आपने मिल्किंग नहीं किया उस दिन, वो गाय चिल्लाना पागल जैसे बिहेव करता है। क्योंकि उसको दूध जब तक नहीं निकलता है उसका दूध बनने का प्रोसेस बंद नहीं होता है। दूध जब अंदर बनना चालू होता है वो तो कंटिन्यू रहता है। जैसे आपको आपके एग्जाम्पल लेकर, आपको पेशाब बहुत जोर लग रहा है लेकिन आपको पेशाब करने नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, आपका ब्लैडर फूलता जाएगा और आपका इंटरनल पेन चालू हो जाता है। सेम थिंग उनको भी होता है। तो एक टाइमिंग पे करने से क्या होता है, गाय को पता चलता है कि हाँ भाई सुबह 4 बजे आज मिल्किंग हुआ, फिर 12 घंटा या 10 घंटे के बाद मेरा सेकेंड मिल्किंग शाम को हो गया, फिर 12 घंटे के बाद मुझे फिर सुबह का हो गया, तो 12 घंटा का साइकिल उसको लिए परफेक्ट रहता है। आजकल बहुत ज्यादा दूध देने वाले गाय को लोग दिन में 3 बार मिल्किंग करते हैं, 3 मिल्किंग बोलते हैं उसको, वो उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो मिल्किंग मिल्क कैसे तैयार होता है, वो थ्योरी पे हम जाएंगे तब पता चलेगा कि 3 बार मिल्किंग करने से क्या फायदा है और कैसे एडवांटेज होता है एनिमल के लिए और कैसे एडवांटेज होता है हाई प्रोडक्शन के लिए। काश ये पॉसिबल होता कि जानवर खुद मिल्कर को चेक कर सकता है कि भाई तू सैनिटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, देम कम्फर्ट। लेकिन गाय का दिमाग में ये रहता है नो मिल्किंग विदाउट सैनिटेशन, ये दिमाग में रख के चलना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
सेकेंड एक्सटर्नल फैक्टर इज मिल्किंग प्रैक्टिस. मिल्किंग प्रैक्टिस कुछ स्टेप्स है, वी हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स रेगुलरली. फर्स्ट स्टेप इज वॉश हैंड. वो पहले भी गया था और एक बार इधर भी है, मिल्किंग करने से पहले अच्छे से हाथ धोना चाहिए. सेकेंड इन वॉश द ऑर्डर एंड वाइप विथ क्लीन क्लॉथ, क्योंकि गाय कौन सा कंडीशन में बैठा था, कहाँ सोया था, कुछ पता नहीं हम लोग को. दूध निकालने से पहले कम से कम एक बार अच्छा से पानी से फ्लॉस करना चाहिए उसको, फिर साफ हुआ कपड़ा में उसको साफ करना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज पोर फ्यू ड्रॉप्स आउटसाइड ऑफ द पेल. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि इसको मास्टिटिस के साथ भी रिलेशन थोड़ा बहुत इसका है. क्या होता है, आप लोग भी पहले सुने होंगे, हमारे बुजुर्ग लोग ने कहते थे कि जब गाय दुहने के लिए आप जाते हो, पहले चार ड्रॉप, चार सिरों से, चार थन मतलब टीट से चारों बूंद दूध जमीन को देना चाहिए, क्योंकि जमीन हमारा माँ है. लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन कुछ और है. साइंटिफिक रीजन क्या हो रहा है कि मैं सुबह जब मिल्किंग किया था, भले ही मैं उसका आयोडीन सॉल्यूशन डीप किया, मैं अच्छा प्रैक्टिस मेंटेन कर रहा हूँ, फिर भी क्या होता है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत बैक्टीरिया एंटर किया हुआ होगा. तो बैक्टीरिया पहले जाके कहाँ रहते हैं, वो टीट कैनाल में ही रहते हैं. वो तो इमिडिएटली पहले दिन जाके मेमरी ग्लैंड में नहीं पहुंच जाते, वो जब बढ़ेंगे तब जाके ग्लैंड में पहुंचेंगे. तो जब मैं नेक्स्ट मिल्किंग करता हूँ, तो पहला जो चार एक ड्रॉप एक एक धार होता है, जो जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रिपिंग जो बोलते हैं, फर्स्ट ट्रिपिंग अगर मैं बाहर फेंक देता हूँ, तो कोई भी बैक्टीरिया अगर मेरा मिल्क कैनाल में जमा हुआ है सुबह के मिल्किंग के वजह से, वो बाहर चला जाता है, ना कि वो मेरे सारे दूध के साथ मिक्स होता है. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और आजकल ये बाहर फेंकने के वजह से, इसलिए हम बोलते हैं, और एक काम आजकल करते हैं, एक ब्लैक का प्लेट रहता है, वो ब्लैक प्लेट के ऊपर डालते हैं और उसको देखते हैं कि कुछ, और उसको थोड़ा टेढ़ा आप कर दो, वो सारा दूध निकल जाएगा प्लेट से जमीन के ऊपर. अगर मास्टिटिस वगैरह कुछ है सब क्लिनिकल स्टेट्स में, अगर कुछ कंटामिनेशन है, तो थोड़ा दाना दाना वहाँ लग जाता है, तो फार्मर को पता चलता है कि मेरे गाय का थन में कुछ ना कुछ इश्यूज है. इट इज इंडिकेशन ऑफ सब क्लिनिकल मास्टिटिस. तो ये सारा आजकल होता है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, माटी माँ को देना है करके दूध छोड़ते थे. बट दिस इज द रियल साइंटिफिक रीजन कि हम फ्यू ड्रॉप्स मिल्क क्यों बाहर जाना चाहिए, मिल्किंग के बर्तन में नहीं लेना चाहिए उसको. द फोर्थ वन इज दूध निकालने के बाद डिप टीट्स विथ आयोडीन बेस्ड सॉल्यूशन. कोई भी आयोडीन बेस्ड सॉल्यूशन ले लो, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो प्लेन आयोडीन मिक्सड विथ वाटर एंड उसको डिप करो. दैट इज दीज आर द फोर स्टेप्स विच मस्ट एंड शुड बी प्रैक्टिस फॉर मिल्किंग. ये अगर आपने किया, यूर सेफ मिल्क और क्वालिटी मिल्क आपका पहला स्टार्ट हो गया, एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस फर्स्ट स्टेप हो गया, वो कंटामिनेशन आपने दूर किया थोड़ा बहुत. नाउ विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्किंग, लोग कैसे दूध देते हैं. ये एक पहला हो गया, आप देखो इसमें उसने चार पूरा टीट को पकड़ के ऐसे स्ट्रिप कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड फुल हैंड. ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ मिल्किंग होता है. ये प्रैक्टिस जिस आदमी ने यूज कर रहा है, उसमें क्या होता है, आपका जो पूरा टीट है, टीट के ऊपर इक्वल प्रेशर रहता है हर जगह से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और टीट का डिजॉर्डर, टीट का डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है, एनिमल को कम पेन होता है. सो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस और बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग. सेकेंड वन इज स्ट्रिपिंग. कुछ लोग क्या करते हैं, दो अंगूठे या तीन अंगूठे यूज करके मिल्क करते हैं, उसमें वो खींचते हैं जोर से, पूरा टॉप से लेके बॉटम तक उसके हाथ को पूरा खींचते रहते हैं, उसका टीट को खींचते हैं, तो उसमें दूध तो आ जाता है, लेकिन क्या होता है, इसमें जो उसका मसल्स होता है, मसल्स बार बार स्ट्रेच होता है, और चांसेस होता है अभी क्या, एक एक गाय कम से कम कितने दिन के लिए दूध देता है, कम से कम 10 महीना 8-9 महीना तक तो दूध देगा, 8-9 महीना तक तो दूध देगा. तो 8-9 महीना सुबह शाम उसको रोज ऐसे दो अंगूठे में खींचते रहोगे, तो चांसेस है कि वो मसल रप्चर होता है और एलोंगेट हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, कभी कभी बाहर क्रैक्स डेवलप होता है उसकी वजह से. So it is not a good practice, but still people are doing this. But this is best full and karna chahiye un logo. The third method is knuckling. Wo kya karte hain ki thumb jo hai, thumb mein wo pura uska jo teeth ka upper end hai, usi ko zyadatar pressure karte hain. To wahan is cases mein kya hota hai, bar bar pressure ek point pe aane ke wajah se particular us area thumb teeth ka thoda soft ho jata hai, रप्चर होता है और उसका डिफॉर्मेशन होता है, डी शेप हो जाता है. कभी कभी आप देखो कोई जानवर का टीथ का आगे की तरफ थोड़ा फुला हुआ रहेगा और पीछे जो ऑर्डर के पास है वो थोड़ा
थिकनेस में कम रहता है, तो ये नॉकलिंग बोलते हैं इसको, नॉकलिंग प्रोसेस में ये होता है। सो ट्राई टू एक्सप्लेन द फार्मर, जिसको आप अगर कुछ समझाना चाहते हो तो उसको ये प्रोसेस बताओ। अगर आपको खुद को दूध कभी निकाल के देखना चाहिए तो यू यूज ऑल ऑफ थ्री एंड फाइंड द डिफरेंस कि उसमें क्या डिफरेंस है और कौन सा सबसे बेस्ट है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर मिल्किंग प्रैक्टिस। द सेकेंड इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर इज यूटेंसिल। मिल्किंग यूटेंसिल शुड बी ऑलवेज स्टेनलेस स्टील मेटेरियल्स, क्योंकि स्टेनलेस स्टील मेटेरियल का जो सरफेस है वो सबसे पॉलिश रहता है और उसमें कंटामिनेशन और दूध डिपोजिशन का, मिल्क स्ट्रेंस होने का चांसेस कम है। कलेक्ट मिल्क इन ए क्लीन एंड ड्राई यूटेंसिल, खाली साफ करने से नहीं होता है, साफ करने के बाद उसको उल्टा के रखना चाहिए सो दैट इट शुड बी ड्राई। जिस पानी में आपने साफ किया वो पानी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। वॉश एंड क्लीन यूटेंसिल बिफोर एंड आफ्टर मिल्किंग, मिल्किंग से पहले थोड़ा साफ करके कपड़ा में साफ करके धोना चाहिए और मिल्किंग खत्म होने के बाद उसी के में दूध ज़्यादा टाइम मत रखो, दूध दूसरे जगह में रख लो जहाँ जिसमें लेके आप जाओगे कलेक्शन सेंटर तक या अपने घर में कंजप्शन के लिए रखना है तो अलग जगह में रख लो, उस यूटेंसिल में मत रखो। क्योंकि जितना देर तक आप वहाँ रखोगे उतना बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ेगा और वो बैक्टीरिया चांसेस है कि आपका नेक्स्ट टाइम जो क्लीनिंग करते हो वो सारा बैक्टीरिया निकलेगा नहीं निकलेगा वो गारंटी है। तो दिस आर दी यूटेंसिल, ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसा होना चाहिए, कोई एलुमिनियम कोई फटा सटा हुआ एल्यूमिनियम कैन से जी आई कैन से। ये एक देखो थर्ड फिगर सेकेंड फिगर में एक जी आई कैन, उसमें एम एस का स्ट्रक्चर है, एम एस आप कितना भी करो रॉस्ट होना ही वाला ही होने वाला, और रॉस्ट सब कहाँ जाएगा, चांसेस है दूध के साथ मिक्स हो सकता है। प्लास्टिक कैंस लोग करते हैं यूज, एनडीडीबी भी अप्रूव किया है, बट आप लोग खुद देखे होंगे कि प्लास्टिक कैन कुछ दिन यूज करने के बाद अंदर एक येलोइश कलर डेवलप होता है, पेल कलर आ जाता है उसका और वो स्क्रैचेस हो जाता है बहुत। एक बार स्क्रैच हो गया तो आप कितना भी साफ करो बैक्टीरिया वहाँ छिपने का जगह बन जाता है उनको, वो घर हो जाता है उनका। तो ये बर्तन नहीं यूज करना चाहिए, rather you have to use a stainless steel thing जो कि cleanable है और clean हो सकता है अच्छे से। The second external factor is feed and water. So always give emphasis on balanced feed, जो जिसमें nutrients and mineral बराबर हिस्से में होना चाहिए। Similar to human beings, हम लोग जैसे अगर संतुलित आहार नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमको दुनिया भर का बीमारी पकड़ेगा। तो एनिमल के केस में ऐसा है, हमको उसको भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसके ग्रोथ के लिए मिनरल्स चाहिए, नो तो दूध कहाँ से देगा, दूध तो खून से ही बनता है ना, तो खून नहीं बनेगा तो दूध कहाँ से बनेगा। फिर अप्रोप्रिएट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन फॉडर, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको जो फॉडर आप देते हो, बेस्ट फॉडर है तो ड्राई फॉडर आता है और एक ग्रीन फॉडर आता है, तो ड्राई फॉडर एंड ग्रीन फॉडर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अच्छा होना चाहिए, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होना चाहिए, एक साइंटिफिक वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास आज ग्रीन फॉडर ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा ग्रीन फॉडर देता हूँ और ड्राई फॉडर कम कर देता हूँ, और कब कल मुझे ग्रीन फॉडर नहीं मिला तो सारा ड्राई फॉडर में मैं पूरा गाय को मेंटेन किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सम रेशियो कि हाँ भाई मुझे पर डे एक एवरेज कैलकुलेशन रहता है, थंब रूल ऐसा है कि गाय का जो वजन है जिसना वे बॉडी वेट है, बॉडी वेट के लिए कुछ देना चाहिए 50% 2 kg 2.5 kg तक जाता है उसके बॉडी वेट के लिए देते हैं, और पर लीटर जितना लीटर दूध देता है उसके लिए भी कुछ एक कैलकुलेशन रहता है, उसी हिसाब से उतना ग्रीन फीडर और जो बैलेंस फीड है जो ड्राई फीड है मिनरल्स के साथ आता है वो मिक्स करके देना चाहिए। व्हाटएवर आप जो भी खाना उसको देते हो वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एंटीप्लॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन ये सारा जो चीजें हैं उसमें से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या होता है जो खाता है एनिमल वो दूध के साथ जाके मिक्स होता है, ब्लड में मिलता है, ब्लड से एंटीबायोटिक्स खाया ब्लड में एंटीबायोटिक्स गया, ब्लड से फिर दूध निकला दूध में भी एंटीबायोटिक्स गया, तो उसमें क्या होगा फिर वो एंटीबायोटिक्स दूध के साथ जाएगा तो हम लोग उसको फिर कंज्यूम करते हैं। तो आजकल तो इस तरह टेस्ट बहुत सारा करते हैं, जो ऑर्गेनिक मिल्क वगैरह बोलते हैं वो बोलते हैं एंटीबायोटिक्स फ्री है, एफ्लाटॉक्सिन फ्री है, कोई पेस्टिसाइड्स कोई नहीं दिया गया है जो ग्रीन फॉडर ये लोग खा रहे हैं, सो दोज आर वेरी बैड थिंग्स फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ये सारा अगर हम अवॉइड करेंगे गाय को देने के लिए तो ये दूध में भी नहीं आएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉन्ड बना दिया, पानी छोड़ दिया वहाँ पे, गाय जितना मर्जी पिया पिया, उसमें कुछ गिरा काव भी आके कोई बाहर का जानवर भी आके वहीं से दूध पी रहा है, कुत्ता भी पी रहा है, बिल्ली भी पी रहा है और गाय भी पी रहा है।
तो ये सारे जो इंटरमिक्सिंग होता है वो क्या होगा, अल्टीमेटली दूध के साथ जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास आता है। तो सब साफ किया हुआ पानी सबसे अच्छा है, तो इसलिए आजकल माइक्रो ड्रिंकिंग बाउल यूज होता है। माइक्रो ड्रिंकिंग बाउल इज सिंपल, जब उसमें गाय अपना मुंह मारता है तो ही पानी निकलता है, जैसे वो मुंह वहां से हटा दिया पीने के बाद वो पानी सारा ड्रेन हो जाता है और बाउल एम्प्टी रहता है। उसमें सिंपल सा एक वाल्व है, जो गाय जैसे मुंह मारता है तो गाय का मुंह वहाँ टच होता है तो अपने आप वो वाल्व ओपन होता है और ओवर टैंक से पानी आता है उसमें। सो ऑलवेज एवरी टाइम जो भी पानी मिलता है उसको पीने के लिए, दैट इज सेफ वाटर बोलता है उसको, क्लीन वाटर मिलता है। तो माइक्रो ड्रिंकिंग बाउल यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द एनिमल, क्योंकि एक जानवर के लिए काफी पानी लगता है। कम से कम एक दूध देना देता हुआ जानवर को 40 से लेकर 60 लीटर तक पानी चाहिए पर डे में, उतना पानी उसको मुहैया करना चाहिए। द लास्ट फैक्टर इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कम्स अंडर आपका जो शेड है जिसमें आप जानवर रखते हो, दैट शुड बी रूफ, उसमें अच्छा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड एंड एडिक्वेट एलिवेशन, अच्छा ऊंचाई पे थोड़ा होना चाहिए ताकि बारिश वारिश में पानी उसके अंदर ना जाए। अरेंज फॉर डिस्पोजल ऑफ एनिमल वेस्ट, जो गोबर होता है, जो गाय पिशाब पिशाब करता है, जो खाने के बाद थोड़ा बहुत छोड़ता है, ये सारा अच्छे तरह से डिस्पोज ऑफ होने के लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको साफ करके वो शेड की बाहर ही लेके डंप कर दिया। अरेंज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लाइज एंड इंसेक्ट, बहुत सारे फार्म में आजकल वो फ्लाई कैचर्स वगैरह लगा के रखे हैं, तो ऐसा भी प्रोविजन करना चाहिए ताकि वो बार बार बाहर का जो भी इंसेक्ट्स है फ्लाइज है वो आके गाय को तंग ना करे, क्योंकि तंग किया हुआ गाय कम दूध देती है। पिगरी पोल्ट्री फार्मिंग शुड बी अवॉइडेड नियर द एनिमल प्रीमाइसेस, जो भी आपका दूध देने वाला जानवर है उसके साथ पोल्ट्री या पिगरी ये फार्म साथ में सटा के नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि पिगरी हो गया पोल्ट्री हो गया उनको दुनिया भर का डिजीजेस होता है। आप 1000 बार सुनते हो कि बर्ड फ्लू हो गया, तो एक बार बर्ड फ्लू हो गया तो फ्लू सारा गाय के अंदर भी आएगा, दूध के साथ मिक्स होकर आएगा, तो इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। आप एक कंपाउंड में कर सकते हैं लेकिन आसपास नहीं करना चाहिए। तो पशु रखने का जगह साफ सुथरा ऐसा टाइप का होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, पूरा दीवार मत कीजिए वहां पे ताकि थोड़ा सूरज का किरण भी आ सकता है, और कंटिन्यूस वेंटिलेशन होना से उसके अंदर जो गैस वगैरह फॉर्मेशन होता है ड्यू टू गोबर एंड पिसाब और खाने का जो बचा हुआ खाना गिरा रहता है, तो उससे अच्छा होता है क्या कि थोड़ा वेंटिलेशन होने की वजह से उस एरिया क्लीन रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिल्किंग प्रैक्टिसेस एंड जो भी हम लोग एनवायरमेंट वगैरह वगैरह के लिए बात किए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मिल्क क्वालिटी, कैसे अच्छा हम कर सकते हैं मिल्किंग पॉइंट पे जहां दूध निकालते हैं। नाउ लेट अस कम टू दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, द क्वालिटी ऑफ द रॉ मिल्क। आज का डेट पे हम लोग क्वालिटी बोलने से क्या समझते हैं? क्वालिटी बोलने से ये समझते हैं कि भाई गाय का फैट कितना है, एसएनएफ कितना है, सही वही है। ऑल ओवर इंडिया में 80% लोग आज भी जानते हैं कि फैट एंड एसएनएफ इज द क्वालिटी ऑफ मिल्क, बट दैट इज नॉट ट्रू। अभी थोड़ा लोग दूसरी तरफ भी जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, तो मैं दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कवर करने के लिए कोशिश करता हूँ। ऐसे क्वालिटी आज सच तो बहुत बड़ा एक कंप्लीट 4 साल का कोर्स है, तो मैं 4 साल का चीज तो यहाँ नहीं कर सकता हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल, और मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ क्वालिटी के ऊपर, पर जो भी मेरा शेयर नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो बेसिकली हम लोग दो टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट हम लोग करते हैं जो भी वीएलसीसी में होता है, जो फार्मर जब दूध लेके आता है, ये 4 टेस्ट वहां पे कंडक्ट किया जाता है। इवन इफ द फोर्थ टेस्ट अल्कोहल टेस्ट भी सारे फार्मर के लिए नहीं किया जाता है, आज के डेट पे भी कभी कभार डाउट हुआ तो किया जाता है, या कभी मिल्क लिफ्टिंग के टाइम पे टोटल बैच का जो मिल्क है उसी को जो मिल्क लिफ्ट करने के लिए आता है वो कभी कभी अल्कोहल टेस्ट करता है। तो व्हाट आर दिस टेस्ट एंड व्हाट इज इज इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग और स्पेसिफाइंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क रादर देन मेंटेनिंग। दिस ऑर्गेनोप्लास्टिक टेस्ट है, इज सिंपल है, इट इज बाई स्मेल एंड टेस्ट। लोग दूध कलेक्शन करते करते इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं अभी भी, और आप भी कर सकते हो। दूध को आप ऐसे हाथ में लेके स्मेल किया,
और थोड़ा टेस्ट भी किया तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द, वो दूध पीने के लायक है या नहीं है। कुछ पुराना दूध है या कल का दूध आज लेके आया है सुबह, तो उसका टेस्ट में भी चेंज होता है और स्मेल में भी चेंज होता है। अगर कुछ ज्यादा जैसे मास्टर डिश वगैरह है, बहुत परसेंटेज में मास्टर डिश है, तो वो भी टेस्ट को चेंज करता है। तो ये फर्स्ट टेस्ट होता है। अगर ये टेस्ट में दूध पास हो जाता है तो नॉर्मली हम लोग ये अल्कोहली टेस्ट पे नहीं जाते हैं। अगर इसमें से मुझे डाउट लगा कि ये मिल्क थोड़ा तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो क्या करता है जो कलेक्शन आदमी है उसको साइड कर देता है या उसको अलग करके। नॉर्मली दो टाइप का टेस्ट उसके हाथ में है जो कर सकता है। एक हो गया वो सीयूबी करता है, कॉडलॉन बॉइलिंग, थोड़ा एक टेस्टिव लेता है, उसमें तो थोड़ा दूध डाल के स्पिरिट लैम्प पे गर्म करता है। गर्म करके वो ऐसा हिला देता है और दूध क्या फट जाता है क्या, उधर गर्म किया तो फट जाता है, तो टेस्ट ट्यूब में दाना 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 आ जाता है। तो उसको पता चल गया कि भाई ये कॉडलिंग टेस्ट पास नहीं किया, मतलब ये दूध हमें एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये अगर पूरा सारा दूध में मिलाऊंगा तो सारा दूध खराब हो जाएगा मेरा, वहीं से रिजेक्ट कर देता है। अगर कडल ऑन बॉइलिंग में वो सेटिस्फाइड नहीं है, या फार्मर उसको चैलेंज करता है कि नहीं आपको आपको कैसे लगा कि फट गया, ये फटा नहीं है, ये तो सही दिख रहा है, देन ही कैन गो फॉर अल्कोहल टेस्ट। जब चैलेंज ज्यादा होता है तो अल्कोहल टेस्ट किया जाता है। अल्कोहल टेस्ट ऑल्सो वेरी माइनर थिंग, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। अल्कोहल टेस्ट कर दिया तो आपको पता चल जाता है कि भाई वो ये दूध खराब है या ले सकते हैं उसको बैच में। तो ये फर्स्ट प्राइमरी टेस्ट होता है। बेसिकली लोग क्या करते हैं, कैन को धड़ से ओपन करते हैं और स्मेल करते हैं, तो जो बंद हुआ क्या, बंद रखा हुआ कैन अगर एक बार ओपन किया, जो स्मेल आता है ना, वो अगर स्मेल से पता चलता है कि दूध का क्वालिटी खट्टा है या थोड़ा बांस मार रहा है क्या, कभी कभी आप भी ये कर सकते हो, कभी डायरी में, कभी आके कलेक्शन सेंटर में आप खड़े हो, कभी काम के लिए गए हो, तो यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस थिंग्स। ये आप लोग करो, मैं बोलता हूँ ये आप लोग भी उनके साथ मिलके एक दो बार स्मेल लो, थोड़ा हाथ में लेके टेस्ट करो, तो आपको भी पता चलेगा कि क्या डिफरेंस रहता है स्मेल एंड टेस्ट में। द सेकेंड कंपोनेंट इज फैट। फैट बेसिकली हम लोग आजकल तो बहुत सारे जगह में ऑटोमेटिक वो मिल्क एनालाइजर वगैरह आ गया है, लेकिन पहले क्या होता था, वो एलआर देखते थे और एलआर सी एलआर देखते थे, फिर फैट टेस्टिंग मशीन में फैट टेस्ट करते थे, 1% ऑफ फैट निकालते थे कि गाय को ये दूध में कितना परसेंट फैट है। SNF इज सॉलिड नॉट फैट। गाय के दूध में जो पानी है उसको छोड़ दिया, बाकी फैट कंटेंट जो घी परसेंटेज है उसको निकल दिया, बाकी जितना भी सॉलिड्स है, पोटासियम क्लोराइड ऑल मिनरल्स जितना भी है उसमें, वो सारा को मिला के SNF बोलते हैं, जो कि सॉलिड है लेकिन फैट नहीं है, उसका भी परसेंटेज निकल जाएगा। उसका टेस्टिंग के लिए ऐसा कोई मशीन इमीडिएट टेस्ट के लिए नहीं है, तो उसको एक फॉर्मूला बेस किया जाता है बेस्ड ऑन दी फैट परसेंटेज एंड दी एल आर और द सी एल आर, नॉट एल आर, सी आर जो करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग है, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग एंड फैट परसेंटेज को लेके देर आर फॉर्मूला डिराइव बाई NDDB। वो फॉर्मूला यूज करके पहले SNF निकालते थे, लेकिन ये फॉर्मूला कोई यूज नहीं करता था। वो नॉर्मली क्या होता है, डायरी से एक चार्ट आ जाता था कि इतना परसेंटेज इतना एल आर और इतना इतना सी एल आर और इतना फैट में ये SNF आएगा और ये रेट हो जाएगा आपका। थोड़ा कंट्रोवर्सी चीज था, बट आज के डेट में जिस मिल्क एनालाइजर आता है जो आपको फैट टेस्ट करके देता है, एलआर और सीएलआर का आपका कोई जरूरत नहीं पड़ता है, और डायरेक्टली वो आपको SNF भी देता है कि कितना SNF है उस दूध में। सो फैट एंड SNF इज इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फार्मर एंड फॉर द मिल्क प्रोड्यूसर्स, कलेक्शन वाले सबके लिए इम्पोर्टेंट आज के डेट पे कि भाई कितना परसेंटेज फैट है और कितना परसेंटेज SNF है, बिकॉज इस बेसिस पे मुझे पेमेंट मिलने वाला है। लास्ट इज द अल्कोहल टेस्ट। अल्कोहल टेस्ट में कुछ नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी कीप इथानॉल एट 68, 66 एंड 65% VB। VB मीन्स बाय वॉल्यूम। मैं 65%, 68% और 66%, बेसिकली डायरी वाले ये तीन चीजें यूज करते हैं डिपेंडिंग अपन कि वो मिल्क कहाँ यूज करने वाले हैं। उसको 500 ml मिल्क में सीधा डाल दो, कोई गर्म वरम कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल 8.5 टेम्परेचर में, तो वो क्लॉटिंग हो जाता है। अगर दूध खराब है तो क्लॉटिंग हो जाएगा या उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, फ्लेक्स बन जाएगा उसके अंदर। अगर 68% अल्कोहल पास कर लिया, दैट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मिल्क। नॉर्मली जो लोग USD प्लांट के लिए दूध लेते हैं, दे टेस्ट इट एट 68%। एवरेज अभी 65 करना है, 66 करना है, वो डायरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे लेके दूध को क्या करने वाला है। सो दीज आर दी कॉमन टेस्ट दैट इज बीइंग कैरिड आउट इन ऑलमोस्ट ऑल VLCC।
and this is the base for the payment. इसमें ही बेस करके हम लोग डायरेक्ट फार्मर्स को पेमेंट करते हैं. Now let us see कैसे पेमेंट होता है फार्मर को. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. मैं क्या करता हूँ, मैं एक डायरी प्रोसेसर हूँ, तो मार्केट पे मैं किस बेसिस पे, वो बहुत बड़ा लंबा कहानी है. मैं डिसाइड किया कि मैं जितना भी फैट खरीदूंगा वो मेरा 300 kg पर kg में खरीदूंगा, और जितना SNF करूंगा 170 रुपया में खरीदूंगा. तो अगर मेरे पास कोई दूध आया जो 3.5% फैट है एंड 8.5% SNF है, तो मुझे उसको कितना पैसा देना पड़ेगा. सिंपल कैलकुलेशन है, दिस 3.5% इनटू 300, 3.5% और 3.5/100 आप कुछ भी कर लो, 300 रुपये में मैं मल्टीप्लाई किया उसको, क्योंकि मुझे उतना केजी फैट मिलेगा. 8.5 / 100 × 170 उतना परसेंट मुझे SNF मिलेगा, उतना केजी मुझे उसमें SNF मिलेगा. सो मेरा इस क्वालिटी ये रेट पे 25 rupees 95 paisa पर लीटर मुझे डायरी को, मुझे फार्मर को देना पड़ेगा. ये वन वे, एक रास्ता है कैलकुलेशन करने के लिए. दूसरा है, कोई कोई लोग क्या करते हैं, TS लेते हैं. TS मीन्स टोटल सॉलिड, दे कंसिडर फैट एंड SNF दोनों मिलके कितना है मेरे पास. सो इस केसेस में 3.5 and 8.5 कितना हो गया आपको, 12% हो गया टोटल सॉलिड. सो 12% को मैं सीधा हिसाब किया कि भाई मुझे, मैं 240 रुपये दूंगा पर केजी ऑफ सॉलिड को, उसमें फैट रहे SNF रहे मुझे कोई मतलब नहीं है. हो सकता है ये 2% हो जाएगा, ये 5% हो जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं 240 करके दूंगा. तो सेम मिल्क मुझे 28 rupees 80 paise में मैं परचेज करूंगा. बट इसमें सारा गेम्स जो रहता है, सारा जो कैलकुलेशन वगैरह रहता है, ये ऐसा इतना सिंपल और इजी नहीं है. मैं क्यों इसमें 3.5 8.5% लिया हूं, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल डायरी. सब डायरी वाले ने इसी को ही फिक्स करके रखा है कि दिस इज द रेट, ये अगर रहा तो मुझे इतना रेट मिलेगा. मान लो कल किसने दूध लेके आया जिसका 8.2% SNF है, तो ये सीधा ऐसे कैलकुलेशन नहीं करेगा कि 3.5 + 8.2 × 240. वो क्या करेगा, आपका 0.3% जो कम हो गया दूध, उसके हिसाब से पुट सम पेनल्टी ऑन यू. तो बेसिकली क्या होता है, जब कैलकुलेशन पूरा चार्ट बनता है, इसमें बोनस भी आता है और पेनल्टीज भी आता है बेस्ड ऑन SNF एंड फैट. को कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि फैट इज अवेंडिवली अवेलेबल, काफी अवेलेबल है. SNF सबसे इंपॉर्टेंट है, तो SNF को करने के लिए, SNF को कंपनसेट करने के लिए SNP मिलाना पड़ता है, इसीलिए बोनस एंड पेनल्टीज रहता है फॉर मिल्क. ये सिंपल एक एग्जांपल में दिया था कैलकुलेशन के लिए. डिटेल आपको देखना है तो यू कैन स्टडी ए रेट चार्ट. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. जैसे बफेलो मिल्क विथ 6.5% फैट एंड 9% SNF में, आज का डेट पे, आज नहीं कभी कभार कभी देता था अमूल, पता नहीं आज का डेट क्या है. अमूल वॉज परचेजिंग एट 41 to 42 rupees, जबकि स्टेट फेडरेशन सेम परसेंटेज ऑफ मिल्क के लिए 36 to 39 देते थे. प्राइवेट प्लेयर वाले 35 to 39 rupees देते थे. काउ मिल्क साउथ में आज 25, 28 to 31, महाराष्ट्र में सेम क्वालिटी ऑफ मिल्क 26 to 28 में परचेज होता है. ये फिगर मैं आपको इसलिए देखा रहा हूँ बिकॉज मिल्क स्टैंडर्ड्स एंड मिल्क रेट इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. अमूल ज्यादा दे रहा है, स्टेट फेडरेशन थोड़ा उससे कम दे रहा है, प्राइवेट प्लेयर वाले उससे भी कम दे रहे हैं. तो ये कोई ऐसा कुछ आज के डेट पे भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई एक स्टैंडर्ड रेट होगा, स्टैंडर्ड होना चाहिए. मेरे ख्याल से ये एक्चुअली होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि साउथ का जो फार्मर है वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और नॉर्थ का जो फार्मर है कम पैसा खर्च कर रहे हैं, या नॉर्थ वाले ज्यादा कर रहे हैं ईस्ट वाले कम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है. जानवर का फॉडर हो गया, जानवर का फीड हो गया, वो ऑलमोस्ट सेम ऑल ओवर इंडिया. ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ में फॉडर का फीड का रेट कम है, नॉर्थ में ज्यादा है, ईस्ट में बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, कोई 50 paisa 40 paisa 1 rupee के अंदर प्लस माइनस है, लेकिन दूध का रेट में आप देखो कितना वेरिएशन है. अमूल जिसको 41 rupees में देके खरीद रहा है मिनिमम, वहाँ स्टेट फेडरेशन वाले, स्टेट मिल्क यूनियन वाले 39 rupees मिनिमम देते हैं, मैक्सिमम देते हैं. तो ये गेम है सारा. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ मिल्क,
which is now coming into force. आजकल वो थोड़ा important होने लगा है. These are basically conducted at the lab. ये collection center में ये test नहीं होता है. The first is the MBRT test. Next is somatic cell count. Third is standard plate count. And fourth is acidity test. So इसमें से acidity test भी आजकल थोड़ा बहुत उसका importance कम नहीं हुआ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना कोई एम्फोसिस देना कम कर रहे हैं. एंड ये एसिडिटी टेस्ट भी ऐसा नहीं कि वो दिस गिव्स एब्सोल्यूट रिजल्ट. तो ये एमबीआरटी टेस्ट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ इट इज. सोमैटिक सेल काउंट काउंट बहुत सारे डायरीज में आजकल करना चालू किया है. स्टैंडर्ड प्लेट काउंट ऑलमोस्ट हर जगह में होता रहता है. सो लेट अस डिस्कस वन बाई वन. एमबीआरटी टेस्ट क्या होता है? दिस इज कॉल्ड मिथाइन ब्लू डाई रिडक्शन टेस्ट. मिथाइल ब्लू रिडक्शन टेस्ट में क्या होता है, एक मिथाइल ब्लू डाई ऐड किया जाता है मिल्क में. एंड उस मिल्क को मैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड में रखता हूँ. एंड एवरी 15 टू 30 मिनट्स में मैं उसका कलर चेंज करता हूँ, चेक करता हूँ. दूध में अगर थोड़ा ब्लू कलर का मिक्स किया, मैं देखता रहता हूँ कि क्या होता है उसमें. जब जिस टाइम पे वो कलर डीकलराइज हो जाता है, उस टाइम तक मैं कैलकुलेट करता हूँ कि हाँ, ये मेरा मिल्क 25 मिनट या एक घंटा या 40 मिनट या 50 मिनट या 100 मिनट या 200 मिनट तक डीकलराइज नहीं हुआ. तो जितना लंबा टाइम तक नहीं हुआ, उतना मेरे पास अच्छा क्वालिटी का मिल्क है. बेसिकली क्या होता है, ये मिथाइल ब्लू जाके वो बैक्टीरिया उसी को खा के कलर चेंज करते हैं. तो मेरे पास जितना कम बैक्टीरिया रहेगा, मुझे उतना ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा उसका कलर चेंज करने के लिए. तो जितना लंबा टाइम लगेगा, उतना अच्छा क्वालिटी का मिल्क मेरे पास है. अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं देखाऊंगा कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू योर क्वालिटी ऑफ मिल्क. सोमैटिक सेल काउंटर काउंटिंग इज द नंबर ऑफ सोमैटिक सेल्स पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड. सोमैटिक सेल में क्या सेल कहता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स होता है जो क्या बोलते हैं, सफेद. टू टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पल्स होता है, एक रेड होता है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. ये डब्ल्यूबीसी आता है, तो उसमें से कितना डब्ल्यूबीसी का काउंटिंग है. ये काउंटिंग को दिस इंडिकेशन इंफॉर्मेशन इन मामला. अगर मैं मेरा दूध में एससीसी सोमैटिक सेल काउंटर 1 लाख से कम पर मिलीमीटर है, तो मैं मानता हूँ कि दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मिल्क. एंड अगर उसमें से ज़्यादा बढ़ते गए, 1 से 2 लाख के अंदर भी लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, अगर 2 लाख से ऊपर हुआ तो इट इंडिकेट्स दैट आपका एनिमल मैनुअल में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है. उसमें रेड आरबीसी आता है, ब्लड सेल्स आता है उसके खून में, सॉरी उसका मिल्क में. दिस ऑल्सो पोटेंशियल प्रोडक्शन और लॉस. आपको ये भी इंडिकेट करता है कि एक प्रोडक्शन लॉस आपको होता है. अगर मैं पूरा एक सोसाइटी का कलेक्शन को जो लेता हूँ, बीटीएससीसी मतलब आप बल्क टैंक सोमैटिक सेल काउंट, इंडिविजुअल फार्मर से मैं वहाँ दूध डाल दिया, मैं पूरा सारा बल्क मिल्क, पूरा मिल्क को मिक्स करने के बाद अगर मैं उसको लेके टेस्ट किया एंड फाइंड दैट सोमैटिक सेल काउंट इज इन बिटवीन 2 to 5 lakhs, अगर उस एरिया में उस विलेज में कंफर्म है कि 8% तक दूध लॉस होता है ड्यू टू मास्टिटिस. दिस एग्जैक्टली गिव्स यू द कंडीशन और द स्टेटस ऑफ एनिमल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ये लेकिन सोमैटिक सेल काउंट करना जो इक्विपमेंट है इज वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट. कितने डायरीज में आज के डेट पे अवेलेबल नहीं है. इन माय करियर आई हैव सीन इन 2005 में मैं एक इंस्टॉल किया था वेस्ट बंगाल में. उस टाइम में द कॉस्ट ऑफ सोमैटिक सेल काउंटर वाज 60 लाख्स. तो हमारा भी वही एम था, ऑब्जेक्ट था प्रोजेक्ट का कि विल कलेक्ट मिल्क फ्रॉम डिफरेंट बल्क कलेक्शन करेंगे और उसमें से कितना सोमैटिक सेल काउंट होता है तो वो एरिया आइडेंटिफाई किया जाएगा, वेदर वहाँ मास्टिटिस का कितना इम्पैक्ट है और कितना परसेंटेज लॉस होता है, अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट वगैरह चालू करेंगे वहाँ पे. देन द लास्ट इज द स्टैंडर्ड प्लेट काउंट. दिस काउंट द एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क. कितना बैक्टीरिया है उसके अंदर वो आप वन सेकेंड. टोटल कितना काउंट बैक्टीरिया काउंट है वहाँ पे पर ml ऑफ द मिल्क, वो काउंट किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड प्लेट काउंट. उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सॉलिड अगर मैं 48 आवर्स तक
32 डिग्री सेंटीग्रेड में दूध छोड़ते हैं और उसके बाद वी काउंट दी बैक्टीरिया कितना कॉलम फॉर्म होता है. सो कॉलम फॉर पर यूनिट ऑफ कॉलम फॉर्मेशन यूनिट पर ml इज द स्टैंडर्ड प्लेट काउंट. ये सारे चीज को देयर इज को रिलेशन बिटवीन दिस थ्री. इसके साथ इसका रिलेशन है, अगर आपका एमबीआरटी कम आ रहा है तो सोमैटिक सेट काउंटर ज्यादा है, एसपीसी भी ज्यादा हो सकता है ऑब्वियसली. अगर ये ज्यादा है तो अल्टीमेटली ये दोनों कम आएगा. सो दिस इज दिस टेबल शोज द रिलेशन बिटवीन एमबीआरटी एंड अप्रोक्सीमेट बैक्टीरिया काउंट फॉर जो आपका एसपीसी है. अगर मेरा एमबीआरटी 5 घंटे से ज्यादा है तो इट इंडिकेट्स दैट मेरा बैक्टीरिया काउंट 5 लाख से कम है. अगर 2 से 5 घंटे के बीच में है तो 5 लाख लेके 40 लाख तक बैक्टीरिया है. आप देखो यहाँ 3 घंटा कम हो गया या बैक्टीरिया, लेकिन 3 टाइम्स नहीं है, कितने टाइम्स बढ़ गया. आप जस्ट रिकॉल करो, लास्ट सेमिनार में हम लोग डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया ग्रोथ एक्सपोटेंशियली होता है, एक के बाद दो के बाद चार आठ ऐसे बढ़ता है. तो ये 5 से 15 नहीं हुआ है यहाँ. अगर 5 घंटा था, 5 लाख था, तो 2 घंटे में कितना होना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, 10 लाख 15 लाख होना चाहिए. ऐसा नहीं हुआ है, 40 लाख तक पहुंच गया है. 20 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर 40 लाख से लेकर 2 करोड़ 200 लाख ऑफ बैक्टीरिया 20 मिनट से अबव हो गया. तो डिपेंडिंग अपॉन दिस एमबीआरटी ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली कीपिंग टाइम. अगर एमबीआरटी 5 घंटे से ज्यादा है तो आई कैन कीप दैट मिल्क अप टू 40 आवर्स अंडर 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ये 5 घंटा बेसिकली मिलता नहीं है. 5 घंटा कहाँ मिलता है, जहाँ आपका पैस्टराइज मिल्क में मिलता है. पैस्टराइज मिल्क सो मिनिमम 5 घंटा होना चाहिए उसका. बाकी फेयर बोलते हैं बैड क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड वेरी बैड क्वालिटी ऑफ मिल्क, जो किसी लायक नहीं किसी काम का, लेकिन फिर भी लिक्विड मिल्क में चल जाता है. और सेम आप देखो ये स्टैंडर्ड ऑफ प्लेट काउंट के हिसाब से हम लोग एक ग्रेडेशन किया है. बिलो 2 लैक्स इज वेरी गुड, 2 लैक्स टू लेकर 10 लैक्स हो गया गुड बोलते हैं उसको, फेयर एंड पुअर. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर गॉन. अभी इतना तक यहाँ तक हुआ नहीं है. जब ये थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा तो पीपल विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग्स एंड ऑब्वियसली दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर बाई द डायरीज. सो आई थिंक विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माई, जो मुझे बोलना था मैं बोल दिया. सो आपको अगर कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है, then you are free to ask.